हाय, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के बारे में। आप सभी जानते हैं दिल्ली दिल वालों की है। यहाँ पुराने और ऐतिहासिक बाजार, पुरानी और ऊंची ऐतिहासिक इमारतें, मकबरा और एम्बेसी सभी अपने आप में यूनिक है। और दिल्ली के मार्केट की बात करें तो यहाँ के पुराने मार्केट पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र है। अब आप चांदनी चौक को ही ले लीजिए, यहाँ पर फूड मार्केट से लेकर क्लोथ्स, ज्वेलरी, इवन एंटीक आइटम्स तक सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ पर शॉपिंग करने का अपना ही मजा है और जिसे बार्गेनिंग करनी आती हो वो तो यहाँ से कुछ भी ले सकता है। आपने भी यहाँ से शॉपिंग की होगी, तो क्या शॉपिंग करते समय कभी आपके दिमाग में एक ख्याल आया कि इस मार्केट को इतना खास क्यों बनाया गया है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ बने रहिए, जान जाएंगे इस सवाल का जवाब भी। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपके इसी प्यार से हमें मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता है। चांदनी चौक दिल्ली के सबसे पुराने बाजारों में से एक है, जिसे मुगलों के दौर में बनवाया गया था। तो हुआ यूं कि दिल्ली में उस वक्त शाहजहां का शासन हुआ करता था। शाहजहां की बेटी जहानारा को शॉपिंग का बहुत शौक था, जिसके चलते वो देश के दूर दराज बाजारों में जाकर शॉपिंग किया करती थी। जहानारा शाहजहां की चहेती बेटी थी, इसलिए वो उससे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। तभी उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसा बाजार बनाया जाए जहाँ से दूर दूर से व्यापारी यहाँ आए और अपना बाजार लगाए, इससे जहानारा को कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। शाहजहां की इसी सोच ने 1650 में चांदनी चौक को जन्म दिया। हालांकि चांदनी चौक के नाम को लेकर भी दो कहानियां हैं। शाहजहां ने इस बाजार को बाकी बाजारों से अलग बनाने का सोचा, इसीलिए इस बाजार की बनावट चौकोर रखी गई और बीच का हिस्सा खाली छोड़ दिया गया, क्योंकि उस जगह पर यमुना नदी का पानी आता था। बनावट से अद्भुत और डिफरेंट होने के चलते देश भर के व्यापारियों का ध्यान इस ओर खींचा। कहा जाता है कि 1959 में जब ये बाजार बनकर तैयार हुआ और इसे पहली बार देखा गया तो वो रात का समय था और यमुना नदी पर चांद की रोशनी पड़ रही थी, बस तभी से इसका नाम चांदनी चौक रखा गया। इसकी बनावट के साथ साथ यमुना नदी भी इसकी सुंदरता को बढ़ाती थी। हालांकि इस बाजार को बनाया तो शाहजहां की बेटी के लिए था, लेकिन फिर भी इस बाजार की ख्याति इतनी बढ़ी कि यहाँ दूर दूर से लोग शॉपिंग करने आने लगे। मुगल काल में यहाँ पर चांदी का व्यापार जोरों शोरों से किया जाता था, इसलिए ये भी माना जाता है कि चांदी का व्यापार ज्यादा होने की वजह से इस जगह का नाम चांदनी चौक रखा गया। एक नहर किसी समय इस सड़क से होकर बहती थी और चौक के तालाब को लबालब कर देती थी, लेकिन अब उस नहर का नामो निशान तक नहीं है। लगभग 1.3 किलोमीटर में फैले इस बाजार में 1500 दुकानें थी। सभी दुकानें उस समय आधे चंद्रमा के आकार के पैटर्न से बनाई गई थी, जो अब लगभग विलुप्त हो गया है। उस समय यहाँ पर विदेशों से भी लोग व्यापार के लिए आते थे, जो यहाँ पर सोना, चांदी, मोती, इत्र आदि बेचा करते थे। तब से लेकर ये बाजार एक ऐसा बाजार बन गया जो जादुई जिन से कम नहीं है। यहाँ वो सब कुछ मिलता है जो कहीं और नहीं मिलता। लाल किले से लेकर दरीबा कला तक जो बाजार था उसे उर्दू बाजार कहा जाता था। इसे उर्दू बाजार इसलिए कहा जाता था क्योंकि उस समय यहाँ पर एक फौज की छावनी थी और फौज को तुर्की में उर्दू कहा जाता है। चांदनी चौक में लाल किले की तरफ से प्रवेश करने पर बाईं ओर लाल पत्थर वाला जैन मंदिर है। 1920 तक इसे उर्दू मंदिर के नाम से भी जाना जाता था। आगे बढ़ने पर दरीबा कला आता है, जो अब जलेबी गली के नाम से मशहूर है। दरीबी के सामने से जो बाजार शुरू होता था उसे दरीबा बाजार कहा जाता था। इसके आगे बढ़ने पर शीशगंज गुरुद्वारा आता है। गुरुद्वारे के आगे जहाँ तक गुरुद्वारे की धर्मशाला है, पहले वहाँ पुलिस स्टेशन हुआ करता था और यहीं से कोतवाली बाजार शुरू होता था। जैसा कि हमने आपको बताया, चांदनी चौक बाजार के बीचों बीच से एक नहर बहा करती थी। जहानारा ने वहाँ एक तालाब बनवा दिया था। तालाब के भरने के बाद यह नहर महल की ओर आगे बढ़ जाती थी। चांदनी रात में जब चांद की रोशनी इस तालाब पर पड़ती थी तो इससे प्रतिबिंबित होकर पूरा बाजार चमकने लगता था। ऐसा भी कहा जाता है कि जब इस बाजार को सबसे पहली बार देखा गया तो चांद के प्रतिबिंब से प्रभावित होकर इसका नाम चांदनी चौक रखा गया। इसी के आगे बढ़ने पर हमें फतेहपुरी बाजार मिलता है। अब इन पांचों बाजारों को मिलाकर हम चांदनी चौक बाजार कहते हैं। शाहजहां ने 1639 में लाल किले की आधारशिला रखी,
जब ये बाजार खुला उस वक्त इसमें लगभग 1300 टू 1400 शॉप्स हुआ करती थी। अब तो सिर्फ मेन रोड पर ही ज्यादा दुकानें हैं और मेन रोड से दोनों तरफ जो गलियां निकलती हैं उसमें तो हजारों की तादाद में दुकानें हैं। तब ये दुनिया का सबसे बड़ा बाजार था। एक जगह पर इतनी सारी दुकानें और व्यापार पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता था। आज के दौर में चांदनी चौक में बहुत से बदलाव किए गए हैं। अगर आप पहले कभी चांदनी चौक बाजार आए होंगे तो आपका सामना भारी अव्यवस्थाओं, बेहिसाब ट्रैफिक, बिजली के तारों का जंजाल और खराब सड़कों से हुआ होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब चांदनी चौक में पैदल घूमने के लिए बहुत जगह है, बैठने की सुंदर व्यवस्थाएं हैं, वॉशरूम से लेकर साफ सफाई तक सारी सुविधाएं नए सिरे से तैयार हैं। पहले ये एक बाजार था, अब ये बाजार चार हिस्सों, उर्दू बाजार, जौहरी बाजार, अशरफी बाजार और फतेहपुर बाजार में शामिल है। मुगलों के दौर में बना ये चांदनी चौक हर धर्म का एक संगम है, जहां दिगंबर जैन मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, आर्य समाज दीवान हॉल, सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च, गुरुद्वारा सीसगंज साहिब और फतेहपुरी मस्जिद है। चांदनी चौक के सौंदर्यकरण प्रोजेक्ट का काम मार्च 2019 में शुरू हुआ और 12 सितंबर 2021 को इसका उद्घाटन किया गया। आपको बता दें, आजकल चांदनी चौक में केवल थोक का व्यापार ज्यादा होता है। कपड़ों से लेकर किताबों तक सब कुछ यहां पर थोक में खरीदा जा सकता है। बुक मार्केट और चोर मार्केट नया है, जबकि किनारी बाजार, मीना बाजार और मोती बाजार पुराने और मशहूर मार्केट है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया और भारत के सबसे पुराने मार्केट में से एक चांदनी चौक की विशेष जानकारी। अगर आपने भी कभी यहाँ पे शॉपिंग की है तो अपने एक्सपीरियंस को कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।